हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के ऊपर, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है। किंगडम मोनेरा के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस किया, जिसमें कि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने बड़े डिटेल के साथ पढ़ा कि सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर है, ऑटोट्रॉप्स है, हेटरोट्रॉप्स है, किस तरीके से उसमें न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल कैसी होती है, ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस करे थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आरएच विटिकर ने दिया था। यहां तक तो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर था। अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद किंगडम मोनेरा के ऊपर आ जाते हैं। तो मोनेरा को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। मोनेरा क्या होता है? मोनेरा में हम बैक्टीरिया की डिस्कस करते हैं, ठीक है। किंगडम मोनेरा में हम बैक्टीरिया की डिस्कस करते हैं, बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी सेल वॉल कैसी होती है। फर्स्ट सेल वॉल, सेकेंड न्यूट्रिशन भी हम देखते हैं। सेल वॉल पर ही डिस्कस करते हैं। जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। इसकी सेल वॉल कैसी होती है? इसकी सेल वॉल जो प्रोकैरियोट्स होंगे, बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं या प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें होता है, उसकी सेल वॉल भी क्या होगी? यूनिसेल्युलर। ये आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होते हैं और इनकी सेल यूनिसेल्युलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक इन नेचर। मींस इसमें क्या होता है? प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। बैक्टीरिया मोनेरा की डिस्कस करें, मोनेरा में क्या आता है? बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो यूनिसेल्युलर होती है और बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। प्रोकैरियोटिक इन नेचर कौन होते हैं? जिसमें कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। ये तो था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब हम देखते हैं कि सपोज ये बैक्टीरिया है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है? इसकी सेल वॉल, ठीक है। तो अब हम इसकी पढ़ेंगे कि इसकी जो सेल वॉल है, हमने कहा यूनिसेल्युलर होती है, लेकिन इसकी सेल वॉल किसी न किसी चीज से मिलकर बनी होगी। जो ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ये प्रोटीन से बनी होती है। देखिएगा, इसकी जो सेल वॉल है वो है पेप्टाइडो ग्लाइकॉन, ठीक है। जो बैक्टीरिया की जो यूनिसेल्युलर होता है, इसकी जो सेल वॉल कंपोज्ड होती है, सेल वॉल बनी होती है, ये किसकी बनी होगी? पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की बनी होती है। अब ये बैक्टीरिया है हमारे पास, जो ये बैक्टीरिया है, इसकी ये सेल वॉल कहा मैंने। बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं? मीसोसोम्स होते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं? मीसोसोम्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट, मीसोसोम्स बैक्टीरिया के अंदर मीसोसोम्स होते हैं। अब इस मीसोसोम्स का क्या इंटरेस्टिंग फंक्शन है बैक्टीरिया के अंदर, ये क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है? मीसोसोम्स जो होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, हेल्प इन रेस्पिरेशन, ठीक है। तो मीसोसोम्स बैक्टीरिया में क्या मदद करते हैं? हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो इसकी मदद से बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो हमने क्या जाना? किंगडम हम मोनेरा के ऊपर डिस्कस करें, मोनेरा में हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो यूनिसेल्युलर होती है, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये था बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन। अब हम उसके बाद बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू शेप, या क्लासिफाई, या बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग है आपके पास। बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं। बैक्टीरिया के बहुत शेप होते हैं। बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का भी होता है,
राउंड इन शेप स्फेरिकल बैक्टीरिया कॉमा की शेप का भी होता है, जिसको कि हम विब्रियो कहते हैं, ठीक है, जो कॉमा की शेप का होता है उसको हम विब्रियो कहते हैं, स्फेरिकल शेप का होता है। बैक्टीरिया क्या होता है, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया भी होते हैं जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया हमारे पास रॉड शेप में भी होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया हमारे पास डिफरेंट शेप में होते हैं। फर्स्ट रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं, स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं हमारे पास जिसमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उनकी हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास ये सपोज स्फेरिकल है, ठीक है, ये कैसा शेप है, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप, ये हमारे पास स्फेरिकल शेप है। जो हमारे पास स्फेरिकल शेप होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोकाई कहते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, कोकाई कहते हैं। ये हमारे पास स्फेरिकल शेप में होता है, इसको हम कोकाई कहते हैं। अगर ये सिंगल फॉर्म में है तो इसको हम कोकाई कहते हैं। अगर ये जो दो स्फेरिकल शेप आपस में इस तरीके से ज्वाइन होंगे तो इनको हम डिप्लोकोकस कहते हैं, ठीक है। अगर यही मिलकर के आगे चेन बनाएंगे, बहुत सारे ज्वाइन होंगे, तो इनको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से चेन लाइक जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक ठीक है, तो इसको हम कोकाई कहते हैं, जो स्फेरिकल शेप में होता है। जब ये दो आपस में ज्वाइन फॉर्म में होते हैं उसको हम डिप्लोकोकस कहते हैं, और इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास इस तरीके से चेन लाइक और एक और स्ट्रक्चर, जब बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पर इस तरीके से ये ग्रुप बना देंगे, ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास शेप होता है बैक्टीरिया का, तो वो अलग अलग शेप के होते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा कि स्फेरिकल शेप होता है तो उसको हम कोकाई कहते हैं, सिंगल फॉर्म में होगा। अगर ये दो आपस में ज्वाइन होंगे तो उनको हम डिप्लोकोकस कहते हैं। अब जब बहुत सारे कोकस के आपस में इस तरीके से जुड़ करके चेन बनाएंगे उसको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। और इसके साथ साथ इस तरीके से भी हमारे पास बैक्टीरिया में कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। तो हमारे पास इस तरीके से हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम शेप पढ़ेंगे, देखिएगा नेक्स्ट शेप, देखिएगा रॉड शेप, अब देखिएगा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। अब रॉड कैसी होती है हमारे पास, रॉड शेप्ड के बैक्टीरिया हमारे पास थोड़ा इस तरीके से होते हैं। आप इस तरीके से आपकी बुक में इस तरीके से भी दिखा रखा होगा, किसी भी तरीके से आप जो शेप देखेंगे किसी भी तरीके से, इसमें आपके पास स्पोर दिखा रही है, किसी भी तरीके से आप बना लीजिएगा। ये हमारे पास रॉड शेप्ड के बैक्टीरिया, ठीक है, इनका शेप क्या है, रॉड की तरह है, तो इसको इसलिए हम इसको रॉड शेप्ड का बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के बैक्टीरिया को हम बेसिलाई कहते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, जो हमारे पास रॉड शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं उनको हम बैसिलाई कहते हैं, बैसिलस, आपने सुना होगा। तो बैसिलस जो हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं यूजफुल, ये हमारे पास यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, क्या हम इसको यूज करते हैं, तो बैसिलस जो होते हैं हमारे पास, ये बैसिलाई जो होते हैं, बैसिलस जो होते हैं हमारे पास कर्लिंग ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमारे पास यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं तो इनका हम यूज करते हैं। तो ये आपने नाम सुना हुआ है मिल्क में, ठीक है, कर्ड में आपके पास जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम बैसिलस कहते हैं, लैक्टोबैसिलस, कौन सा, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड शेप है आपके पास, थर्ड शेप हम पढ़ेंगे, तीसरा शेप आपके पास स्पाइरल। अब स्पाइरल बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सपोज ये हमारे पास बैक्टीरिया इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास थर्ड शेप है स्पाइरल, स्पाइरल बाइंडिंग आप कराते हो, तो इस तरीके से स्पाइरल बाइंडिंग भी हमारे पास ऐसे होती है या नहीं होती स्टूडेंट, स्पाइरल बाइंडिंग आप अपनी बुक्स में अपनी नोटबुक में कराते हैं। स्पाइरल शेप्ड के जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें फ्लैजिला क्या होता है, ये क्या होता है, फ्लैजिला। स्पाइरल शेप्ड के जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इनको हम स्पाइरला कहते हैं। स्पाइरला इसका एग्जांपल है, जो शेप है स्पाइरल शेप्ड का बैक्टीरिया उसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, स्पाइरला, ठीक है। जो स्पाइरल शेप्ड के हमारे पास स्पाइरला या स्पाइरल शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं उसमें फ्लैजिला
अलग अलग तरीके से होता है इसमें प्रेजेंट। अगर अब देखिएगा स्पाइरला हमने एग्जांपल दिया, इस स्पाइरला में जो ये फ्लैजिला प्रेजेंट है वो बोथ साइड है, दोनों ही तरफ हमारे पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जब हमारे पास बोथ साइड फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम फ्लैजिलेटेड कंडीशन कहेंगे। अगर इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा तो उसे हम एट्रिकोकस कहते हैं, ठीक है। तो फ्लैजिला कंडीशन इसके अलग अलग होती है। सपोज ये बैक्टीरिया है, केवल इसमें एक ही तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट है। अगर सपोज ये बैक्टीरिया है तो इसमें ग्रुप में फ्लैजिला, बहुत सारे फ्लैजिला इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरीके से दोनों ही तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनकी अलग अलग कंडीशन है अकॉर्डिंग टू फ्लैजिला। लेकिन हम स्पाइरल शेप्ड के बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, हमारे पास स्पाइरला है जिसमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला एक तरफ भी हो सकता है, फ्लैजिला दोनों ही तरफ भी हो सकते हैं। फ्लैजिला की कंडीशन जब दोनों ही तरफ फ्लैजिला होते हैं, बंच में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो इस अलग अलग तरीके से फ्लैजिला इस शेप के बैक्टीरिया में या स्पाइरला में, ये जो इनका अलग अलग फ्लैजिला का पैटर्न है, इस तरीके से फ्लैजिला यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम हमारे पास लास्ट शेप है बैक्टीरिया का, कौन सा शेप आएगा, कॉमा शेप। ठीक है, कॉमा शेप का एग्जांपल आपके पास विप्रो है, ठीक है। इस तरीके से आप कॉमा बनाते हो, ठीक है। ये हमारे पास कॉमा शेप का एग्जांपल, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जो बैक्टीरिया है, ये हमारे पास कॉमा शेप का बैक्टीरिया है। इस तरीके से आप कॉमा बनाते, इस तरीके से आपके पास जो बैक्टीरिया होगा वो आपके पास विप्रो होता है। तो जो कॉमा के शेप्ड का बैक्टीरिया होता है उसको हम विप्रो कहते हैं। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, मोनेरा में हम किसकी स्टडी करते हैं, मोनेरा किंगडम मोनेरा में हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, बैक्टीरिया कैसे होते हैं, पहले यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। बैक्टीरिया के शेप अलग अलग होते हैं, उन बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, और इसके साथ साथ बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं, उनकी शेप के अकॉर्डिंग हमने बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरी दी। कुछ बैक्टीरिया कॉमा के शेप के होते हैं, कुछ बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप में होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया कि कोकाई क्या होते हैं, डिप्लोकोकस क्या होते हैं, स्टेप्टोकोकस क्या होते हैं, विब्रो क्या होते हैं, बैसिलस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ऊपर। तो बैक्टीरिया में दो किंगडम मोनेरा में दो हम और चीज पढ़ते हैं, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो आर्ची बैक्टीरिया में हमारे पास साइनो बैक्टीरिया आ जाते हैं। साइनो बैक्टीरिया मीन्स जिसमें कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी जहां पर होती है, ठीक है, या कि ये क्या होता है, कीमोट्रॉपिक के नेचर होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया की जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे पास इसमें रेस्पिरेशन होता है, न्यूट्रिशन इसमें कैसे होता है, इसमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रॉपिक मीन्स जो कि अदर ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, बैक्टीरिया के दूसरे के ऊपर ग्रो करते हैं, तो इसलिए ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, ठीक है। इसकी दो और ग्रुप की स्टडी हम करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया में हम ऐसे बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे जो कि मीथेन गैस को रिलीज करती है। कहाँ पाए जाते हैं वो, वो दलदल में पाए जाते हैं, जैसे धानों की खेतों में, तो मीथेन गैस को रिलीज करते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम ये दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे कि किंगडम मोनेरा क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया की किस तरीके से हमने आज के लेक्चर में स्टडी करी कि उनका शेप क्या क्या होता है। बाकी हम टॉपिक दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आई थिंक के स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यूं ही आप चैनल के साथ बने रहिएगा और कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर में बने रहिएगा। थैंक यू।